नमस्कार दर्शक मित्रों, बीएन न्यूज गुजराती में आप सबनो हार्दिक स्वागत छे। आओ जोईए आजना मुख्य समाचार। 4 મે પ્રિયંકા ગાંધીની લાખાણી ખાતે સભાને લઈને કોંગ્રેસની પ્રેસ કોન્ફરન્સ। રાજસ્થાનના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને બનાસકાંઠા પ્રભારી સંયમ લોઢાએ પીએમ મોદીના નિવેદન પર કર્યો વાર। રાજસ્થાનમાં 12 સીટો કોંગ્રેસને મળશે અને ભાજપ 250માં સમાઈ જશે। પ્રિયંકા ગાંધીની સભા પૂર્વ રાજસ્થાનના પૂર્વ ધારાસભ્ય બનાસકાંઠામાં। દેશ કી લોકપ્રિય નેતા શ્રીમતી પ્રિયંકા ગાંધી 4 मई को बनासकांठा लोकसभा क्षेत्र के लाखनी गांव में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती गैनीबेन ठाकुर के समर्थन में विशाल चुनाव सभा को संबोधित करेगी। पहले ये 3 तारीख को उनका कार्यक्रम निर्धारित हुआ था, लेकिन अब अत्यावश्यक कारणों से उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है और वो 3 के स्थान पर 4 मई को बनासकांठा के लाखनी गाँव में आएगी। पूरे बनासकांठा जिले में और आसपास के क्षेत्र में उनके कार्यक्रम को लेकर के भारी उत्साह है और लाखों की संख्या में भाई बहन उनको सुनने के लिए लाखनी पहुंचेंगे। आप सब के माध्यम से भी मेरी नागरिकों से, भाई बहनों से, युवाओं से, छात्रों से, महिलाओं से अपील है कि वे अधिकाधिक संख्या में लाखनी पहुँच कर 11 बजे 4 मई को कार्यक्रम को सफल बनाएं।